अच्छा करने की हर बार आपके साथ कोशिश करते हैं। तो लेट वी विल स्टार्ट टाइप ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, टाइप ऑफ एसोसिएशन में हमें मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से टाइप्स देखने हैं, दैट इज वन टू वन एसोसिएशन, वन टू मैनी एसोसिएशन, और कभी कभी क्या होता है ये मैनी टू वन के कंसेप्ट में भी डेवलप हो जाता है ना, वन टू मैनी एंड मैनी टू वन। तो नॉर्मली आपको जो दिखेगा है ना, मैक्सिमम जो दिखेगा वो वन टू मैनी ही रहता है, और मैनी टू वन जब होता है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हमारे पास में नॉर्मली क्या होगा कि कहीं ना कहीं कंडीशन बीच में आएगी, तभी हो पाएगा ये। ठीक है ना, ये बीच में कंडीशंस आती हैं तब जाके ये कंसेप्ट हो पाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वन टू मैनी में जैसे आप लोग ये समझ लीजिए, जैसे हमारे पास में सपोज करिए कि लोन है और कस्टमर है। ठीक है, तो लोन जो होता है वो हम या तो मैनी कस्टमर के लिए बनाएंगे या फिर हम किसके लिए बनाएंगे, जीरो कस्टमर के लिए बनाएंगे। यानी एक लोन आप मैनी कस्टमर की बात हो रही है। अगर आप ऐसा सोचिए कि आपके पास बहुत टाइप के लोन है, जैसे पर्सनल लोन है, गोल्ड लोन है ना, आपके पास में जैसे ये हाउस लोन है, ऐसे लोन बहुत सारे हैं आपके पास, मैनी लोन्स आर देयर इन वन साइड एंड द अदर साइड आर द वन पर कस्टमर इज देयर। भाई वो चाहता है कि उसे सपोज 10 लाख का लोन चाहिए, तो वो लोन किसी एक में से भी ले सकता है, किसी चार में से भी कुछ कुछ पार्ट ले सकता है। जैसे उसके पास गोल्ड है तो वो गोल्ड लोन की तरफ से लेगा, उसके पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी गिरवी रखेगा वहां से लोन लेगा, पर्सनल लोन ले सकता है, उसका अगर सैलरी है उतने कैपेबल है तो वो पर्सनल लोन भी अच्छा ले सकता है। तो मैनी लोन्स विद द वन कस्टमर, मैनी लोन विद द वन कस्टमर की बात हो रही है। और अगर हम ये देखें कि अच्छा उसके बाद क्या है, लोन तो बहुत सारे हैं लेकिन उसके पास में जब लोन जाएगा तभी तो वो लोन बारो होगा ना। भाई बारो कैसे करेंगे, यही कंसेप्ट रहेगा उसका कि आपको कहीं ना कहीं से हमें उधार लेना, लोन मतलब उधार लेना है। अगर आप कोई एक भी उधार लेते हैं, एक भी लोन लेते हैं, तो आप बेसिकली प्रीमियर होल्डर यानी कि आपको उसका इंटरेस्ट ईएमआई देना पड़ेगा। ईएमआई आपके सामने कब आएगी, जब आप कोई भी एक लोन को दे रहे हैं तब जाके होगा। भाई ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं लिया, लिया उसके बाद भी ईएमआई दे रहे, इट इज नॉट ए लाइक दैट। चलो हम आगे पढ़ते हैं, इससे हमको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें बनाना है। एक चीज और है इसमें सब में कि आपको इसके प्रोग्राम्स भी बनाने के लिए सोचना है। ठीक है ना, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो भी आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो जावा में बहुत अच्छे से हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पाइथन में भी बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है ना, तो हमारा जो कल्चर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है, थ्योरी में C++ नहीं है। ये बात को मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम जावा में बनाया है तो भी उसे 10 मार्क में 10 मार्क मिलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने पाइथन में बनाया है तो भी उसे 10 में 10 ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट बोला गया है। अब वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे जो टॉपिक्स हैं उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल बहुत जल्दी और बहुत सिंपल वर्ड में इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो उस समय हम जावा का यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे वन टू वन एसोसिएशन करना है, वन टू मैनी एसोसिएशन करना है, मैनी टू मैनी एसोसिएशन करना है, टर्नरी एसोसिएशन करना है, तो हम ऐसे कोई भी चीजों को, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हम जावा का हेल्प लेके बना सकते हैं। तो आप अपने माइंड को ऐसा कोई कॉन्स्ट्रेंट्स मत बना दीजिए कि हर चीज C++ में है। देखिए C++ में लाना यानी कि बहुत ज्यादा प्रोसीजर ओरिएंटेड कंसेप्ट होता है। जावा में इसके लिए
बहुत सिंपल रेमेडी बनी रहती है, और उसमें आपके पास में हो सकता है कि और एक्स्ट्रा कीवर्ड हो, जो यहाँ पर बड़े से बड़े एल्गोरिथम लिखने में टाइम लगाएंगे, वहां पर आपके पास क्या होगा, कीवर्ड होंगे, उस कीवर्ड से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके अलग से हम प्रोग्राम नहीं, मतलब प्रोग्राम पूरे का हम नहीं देख पाएंगे, तो हम एक आध प्रोग्राम जरूर देखेंगे। लेट वेरी फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट। ओके, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को मतलब यहाँ पर आप पहले बता दीजिए कि देखिए, हम लोग ने जनरलाइजेशन पढ़ लिया है, स्पेशलाइजेशन पढ़ लिया है, ठीक है ना, एग्रीगेशन भी अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे। हमें अब एसोसिएशन का कंसेप्ट समझा है हमने कि एसोसिएशन का मतलब इट इज नॉट ए यूर लाइक ए इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जैसा कल्चर नहीं होता है, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं इनरोलमेंट का कंसेप्ट है, कि इन्वॉल्वमेंट का कंसेप्ट है, एक क्लास से दूसरे क्लास का आप किस तरीके से उसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप टेक्निक क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एसोसिएशन। टेक्निक क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वन टू वन की टेक्निक दे रहे हैं, वन टू मैनी की दे रहे हैं, मैनी टू मैनी दे रहे हैं, टर्नरी एसोसिएशन दे रहे हैं, आप किस टाइप की टेक्निक दे रहे हैं, उस पर हमें यहाँ पर एक्चुअली इम्पोर्टेंस देना है। तो लेट वी हैव फर्स्ट वन टू वन एसोसिएशन, तो हम वन टू वन एसोसिएशन देखते हैं। तो देखिए, वॉट इज ए वन टू वन एसोसिएशन, वन टू वन डिनोट ए वेरी नैरो एसोसिएशन, ऑफकोर्स बहुत सिंपल सा और एक सीधी लकीर जैसा कंसेप्ट है, नैरो एसोसिएशन है, इसको हम नैरो बोलेंगे, नहीं भी बोलेंगे तो सिंपल एसोसिएशन बोल सकते हैं, जिसके अंदर में क्या होना है, एक ऑब्जेक्ट एक क्लास का दूसरे ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास से एसोसिएट करेगा, ठीक है ना, ये प्योरली कंसेप्ट है इसका। वन टू वन, वन टू वन का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट एक क्लास का, लेट क्लास ए, क्लास ए है और आपके पास एक और क्लास बी है, उसका ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट से रिलेट करना है, रिलेशन बनाना है, रिलेशनशिप करना है, तो उसे किस तरीके से एसोसिएशन करना है, कि जब भी मैं आगे बढ़ू तो वो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग क्लास के आगे बढ़ेंगे। देखिए इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम डायरेक्टली सारे चीज को बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं, हम रिलेट करके रिलेशनशिप बना के नहीं कर रहे ना, हमें यहाँ पर क्या करना है, एसोसिएशन बनाना है, मतलब रिलेशन रिलेशनशिप किस टाइप का है, एसोसिएशन बनाना है हमको, एसोसिएशन बनाने का मतलब सबको साथ लेके चलना है, तो ईच एसोसिएशन इन दिस क्लास डायग्राम करस्पॉन्ड टू अ सेट ऑफ लिंक्स इन द इंस्टेंस डायग्राम, लाइक ईच क्लास करस्पॉन्ड टू सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझाना है कि भाई उसके जो इंस्टेंस है, इंस्टेंस का मतलब आपका ऑब्जेक्ट की बात हो रही, हम क्लास के बीच में लिंक तो बना लेते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि उसके ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर उसके ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक बन रहा है तो ही हमारे काम के बीच है, आप कितना भी मैपिंग करके बैठ जाओ, लेकिन अगर एक जगह का ऑब्जेक्ट दूसरे जगह के ऑब्जेक्ट को रिलेट नहीं कर पाएगा तो हमारे लिए रिलेशनशिप एसोसिएशन जैसा कंसेप्ट हुआ ही नहीं है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए पहला यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए लाके रखे हैं, जैसे पहले मेरे पास में एग्जाम्पल है, ईच कंट्री हैज ए कैपिटल सिटी, ईच कंट्री हैज ए कैपिटल सिटी, जैसा कि हमें पता है कि कंट्री जो होती है उनकी एक ही कैपिटल होता है, ठीक है ना, एंड हैज कैपिटल इज द नेम ऑफ द एसोसिएशन, तो हमें ये तो पता है कि जो भी कंट्री होगी उसमें आप अभी आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस में कंट्रियों की पूरी लाइन लगी हुई है, आप कंट्री गिनते जाइए आपके पास में बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या आप ई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सब में डेटा रिप्रेजेंटेशन जो चल रहा है आप उसको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करिए,
हम किस प्रकार से अपने, सपोज कोरोना वायरस अभी चल रहा है, तो कोरोना वायरस के डेटा को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं हम टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी हम पूरे ग्लोब, तो ये चीज को आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यही अपना आगे का काम है। हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना और डेटा का इंटरप्रिटेशन निकालना, डेटा साइंटिस्ट का जो कंसेप्ट है वो यही रहेगा और कोई अलग काम नहीं है अपना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वन एम्प्लॉय है ना, वन एम्प्लॉय बिलोंग्स टू वन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये हमारे पास में कंसेप्ट होता है कि भाई एक एम्प्लॉय बिलोंग्स टू वन ऑर्गेनाइजेशन होता है, अदरवाइज वो पार्ट टाइमर कहलाता है, ठीक है ना। आपको अगर दूसरे जगह काम करना है तो आप कर सकते हैं, कभी कभी आपको परमिशन मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है ना। आपको अगर कहीं पर भी काम करना है तो एक एक, जैसे आप TCS में काम कर रहे हैं तो भाई TCS के लिए काम करोगे आप, चाहे फ्री टाइम में, ऐसा थोड़ी है कि लोकल कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है कि भाई वन एम्प्लॉय बिलोंग टू वन ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपने दोनों जगह से सैलरी अकाउंट में ले ली तो आपके पास में जब आपका अकाउंट का जब रिटर्न भरेंगे तो दोनों जगह से आपका आपके ये क्या बोलते हैं उसको, जो आपका IT रहेगा वो, इनकम टैक्स जो रहेगा वो, पैन कार्ड रहेगा, हाँ सॉरी पैन कार्ड रहेगा उसमें, वो दिखने लगता है उसमें आपका पूरा दिखने लगेगा कि आपने कहाँ कहाँ से सैलरी उठाई है। और अगर आपने सपोज अंडर टेबल लिया है तो ये भी फिर बताना पड़ेगा कि आपने उसे छुपाया कहाँ है, नहीं तो ये पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से आया नहीं है, तो वो सब चीजें हमारी ब्लैक में आ जाती है। तो वन एम्प्लॉय बिलोंग टू वन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है वन डॉग बिलोंग टू वन फैमिली, ठीक है ना। भाई आपने घर में किसी कुत्ते को मतलब अपने पेट रखा है तो वो जो आपके पास डॉगी है वो वन फैमिली के लिए ही होगा, वो सबकी रखवाली करते नहीं बैठेगा। वन डॉग बिलोंग टू वन फैमिली, वन पर्सन हैज वन पासपोर्ट, ठीक है ना। आपके पास केवल एक ही पासपोर्ट रहना चाहिए, एक से ज्यादा पासपोर्ट है तो फिर आप कहीं ना कहीं क्राइम में फंस सकते हो। ए कार मॉडल इज मेड बाय वन कंपनी, आपका जो भी मॉडल नंबर रहता है कार का वो एक कंपनी का रहेगा और वो मॉडल नंबर कोई दूसरे जगह उसे यूज नहीं कर सकता है। ए हाउस बिल्डिंग प्रोटोटाइप बिलोंग टू वन कंपनी, जो भी हम एक आर्किटेक्चर के द्वारा बनाते हैं प्रोटोटाइप जो बना रहता है वो हमारा किसी एक कंपनी के बिलोंग में रहेगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉपीराइट का कंसेप्ट रहता है, उसे हम बदल नहीं सकते। ए बुक इज पब्लिश्ड बाय वन कंपनी, आप जो भी किताब लिखना चाहते हो तो किसी एक पब्लिशर के पास ही पब्लिश कर सकते हो, उसको आपने एक जगह पब्लिश किया और पता चला कि आपको रॉयल्टी नहीं मिल रही, आप दूसरे के पास चले गए तो दूसरा भी छाप देगा, तीसरे के पास चले गए तीसरा भी उसको पब्लिश कर देगा, तो आप क्राइम में फंस जाओगे। ये आपको सोचना है छाप पब्लिश करने के पहले कि भाई इस कंपनी के ऊपर हमारी रिलायबिलिटी है कि नहीं है, अगर रिलायबिलिटी है तब तो सही है। ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज मेड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन, भाई आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाओगे, ऐसा नहीं है कि आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसी को आपने नाम बदल के दूसरे को दे दिया, नाम बदल के तीसरे को दे दिया, तो ऐसा नहीं होगा। ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज मेड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। इन एप्पल कम्स फ्रॉम वन ट्री, हर एप्पल जो हमें मिलता है वो एक ट्री से ही आता है, कोई ऐसा नहीं है कि एक एप्पल दो ट्री से आने लग जाएंगे, ठीक है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। सांता क्लॉज इज एसोसिएट विद द वन हॉलीडे, भैया एक ही दिन सांता क्लॉज आता है हॉलीडे में, अब हर दिन आने लगा तो फिर कैसे चलेगा। दिस इज वन टू वन रिलेशनशिप। ए पर्सन हैज वन ड्राइवर लाइसेंस,
ठीक है ना, आपके पास जो होगा वन एक ही ड्राइवर लाइसेंस हो सकता है ना। द ब्रेक्स ऑन द कार हैव वन पर्पस, जो भी ब्रेक्स रहते हैं कार के वो एक ही पर्पस के लिए रहते हैं, ऐसा आप दूसरा पर्पस के लिए ब्रेक नहीं लगा सकते। ईच कार आईडी हैज ए कार ड्राइवर, जिसका भी आईडी होगा कार का उसके ऊपर कार का ड्राइवर का नाम भी लिखा होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वन टू वन के हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सभी के मिलते हैं, है ना। तो ये हमें पता रहना चाहिए समझाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार हम एक ही चीज बताते जाए सबको, है ना। हर चीज बदलना चाहिए। आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपकी पूरी टीम एक साथ जा रही है इंटरव्यू देने और एक ही जैसा सब आंसर दे रहे, तो वो क्या बोलेगा, है ना। मतलब आपके पास आईक्यू नहीं है। अगर आईक्यू होता है तो हम ए फॉर एप्पल की एग्जाम्पल नहीं देते हैं। हम साथ में जाएंगे लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा फ्रेंड क्या एग्जाम्पल देगा और हमें कौन सा एग्जाम्पल देना है। आप में यूनिक जो यूनिकसिटी है वो डेवलप होनी चाहिए कि भाई मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, जब सपोज पांच फ्रेंड यू कभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सब लोग अपने आप को यूनिक मानते हुए जाएंगे। तो कब यूनिक मानते हुए जाएंगे, जब आपके पास थ्योरी तो एक रहेगी लेकिन एग्जाम्पल्स अलग अलग रहेंगे, आपके पास इम्प्लीमेंटेशन का कंसेप्ट अलग अलग, तो ही वो कंपनी में आप पांचों को लेगी। अदरवाइज जो फिर एक सही चीज बोल पाएगा पांचों में से ले लेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि ये चार इसके पीछे आए हुए हैं, भीड़ आई हुई है, भीड़ को थोड़ी लेंगे, वो किसी एक को लेंगे जो कि सारा हमारा काम कर सकता है। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखें। देखिए फ्रेंडशिप करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं है कि हमें कॉपी फ्रेंडशिप करना, यानी जो उसने किया वो आपने किया, फिर उसने डिलीट किया आपने भी डिलीट किया, नॉट लाइक दैट। फ्रेंडशिप का मतलब हमें अपने को बिल्कुल हेल्प लेना है किसी चीज की, हमको अगर नहीं समझ में आ रहा अपन हेल्प ले लें, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने वहां पर ए लिखा तो आपने भी ए लिखा, उसने ए फॉर एप्पल लिखा तो आपने भी ए फॉर एप्पल लिख दिया। भाई आपके पास कोई दूसरे वर्ड ही नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपने फ्रेंडशिप भैया जो की है वो काम की आपकी नहीं, आपने हेल्प लेने के साथ साथ उसे मिसयूज कर दिया। और कभी कभी तो इतना ज्यादा मिस्टेक हो जाती है कि हम किसी को पढ़ाते हैं और हम फेल हो जाते हैं, और जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट किसी दूसरे फ्रेंड को पास हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से ये स्टोरी सुनी है, वो बताते हैं मेरे को कि सर मैंने तो इसे पढ़ाया था, मैंने तो इसे समझाया था, मैंने तो अपना असाइनमेंट दिया था और पता लगा कि जो आपने इतनी हेल्प की थी वो तो पास हो गया और आप वहां से डिलीट हो गए और फेल हो गए। तो ये चीज ना करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास में कुछ अब फिगर से आपको समझाते हैं। देखिए है ना, एवरी कंट्री हैज ए कैपिटल, एवरी कंट्री हैज ए कैपिटल। तो इन जर्नल हमें क्लास का डायग्राम बनाना है, तो इन जर्नल हम क्लास का डायग्राम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कुछ इन जर्नल क्लास का डायग्राम बन जाना चाहिए कि भाई ये हमारा क्लास का नाम है और वो उसका डेटा मेंबर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई दोनों क्लास का नाम भी कैपिटल है, यहाँ पर नेम भी एक है, तो दिस इज बेसिकली रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे है ना, यहाँ पर आप क्या करेंगे है ना, यहाँ पर अच्छा मेरे से गलती यहाँ हो गई कि दिस इज कैपिटल, कैपिटल के जगह में क्या आएगा, सिटी आएगी, यहाँ पर सिटी आएगी, ठीक है ना। मैंने कैपिटल दोनों जगह लिखा है, तो एवरी कैपिटल हैज ए सिटी, यहाँ पर आ जाएगा आपका सिटी आ जाएगी, तो यहाँ पर सिटी लिखना है आपको, ठीक है। मैं इसको ठीक कर दूंगा अभी जल्दी जल्दी उसको पेंट ब्रश में कॉपी किया तो इस तरीके से लिखा गया। नाउ नेक्स्ट हैज का देखिए कंसेप्ट, इंडिया एज ए कैपिटल हैज ए सिटी, हैज ए कैपिटल दिल्ली, दिल्ली इसका क्या है, यहाँ पर कैपिटल हो गया। नाउ कैपिटल फ्रांस, एक्चुअली ये कंट्री फ्रांस, यहाँ कैपिटल, यहाँ पर कंट्री आएगा
है ना, यहाँ कंट्री आएगा, यहाँ कंट्री आएगा, यहाँ कंट्री लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो कंट्री इंडिया हैज ए कैपिटल दिल्ली, ऐसा बोलेंगे हम, ठीक है ना। कंट्री फ्रांस हैज ए कैपिटल सिटी पेरिस। तो ये कल्चर हमको डेवलप करना है, ठीक है ना। तो ये कल्चर हमको डेवलप करना है, तो नॉर्मली हम दो चीज का यूज कर सकते हैं, एक तो हैज ए का यूज कर सकते हैं, इज ए का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने इनहेरिटेंस को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर हैज ए का कंसेप्ट आएगा या फिर इज ए का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, मैंने एक प्रोग्राम आपके लिए बनाया है, तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूं कि लेट वन टू वन का एक एग्जाम्पल है। अब इस वन टू वन के एग्जाम्पल में मुझे क्या डेवलप करना है, रामा इज ए ड्राइवर ऑफ कार आईडी दिस। हम सपोज करिए कोई ओला बना रहे हैं, है ना, या हम कोई इस तरीके का ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाए हैं, उसमें हमें एक्चुअल में क्या है कि कार की आईडी है और ड्राइवर का नाम है। तो हमें इस तरीके से डेटाबेस डेवलप होना है। कैसे डेवलप होना है, राम इज ए ड्राइवर ऑफ कार आईडी दिस वन। तो ये मेरे पास में कल्चर डेवलप हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई राम का इज ए ड्राइवर है और ड्राइवर होने के बाद में उसका जो आईडी है वो दूसरे के पास भी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई भाई एक कार में एक ही ड्राइवर रहेगा, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि एक कार का ड्राइवर दो कार चला रहा हो, इट इज नॉट पॉसिबल। या ऐसा भी नहीं होगा कि कार की आईडी दो दो पड़ी हुई है एक ड्राइवर के पास, तो वो कहीं मिस्टेक वाली बात है। तो दिस इज वन टू वन का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हमें एक बेस क्लास बनाना है, दैट इज वन का, और यहाँ पर हमें ड्राइव क्लास का बनाना है। बस ये याद रखना आपको, ये कार वन, देखिए हमको ऑब्जेक्ट की बात करती जानी है सब, है ना, ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट रहता है। तो यहाँ पर हम वन टू एम कर देंगे, है ना, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि भैया एक कार है और बहुत सारे ड्राइवर है। भाई कार एक हो सकती है, ड्राइवर भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आज एक हमने मॉर्निंग के लिए कार, भाई मैंने कार रखी है तो मैं उसे 24 घंटा चलाऊंगा ना। जब मैं 24 घंटा चलाऊंगा तो एक ड्राइवर 24 घंटा काम नहीं करेगा। हो सकता है कि मुझे भाई तीन शिफ्ट चलानी पड़े, भाई एक चलेगी 8 से 8, दूसरी 8 से 8, फिर तीसरी 8 से 8, मुझे तीन शिफ्ट में चलाना है। तो मेरे पास ड्राइवर तो तीन रहेंगे ना, लेकिन जो जो जब भी शिफ्ट में रहेगा उसके पास कार आईडी एक ही रहेगी। तो वहां पर वन टू मैनी का कल्चर आ जाएगा, वन टू मैनी का कल्चर आ जाएगा। इसके बाद में मैनी टू वन, भाई मैनी कार है, ड्राइवर मेरे पास में कम है, भाई मेरे पास में कुछ कारें आपको बफर में रखनी पड़ेंगी। क्यों रखनी पड़ेंगी, भाई एक कार अगर सपोज करिए टाइम में चल नहीं रही है तो दूसरी कार लेके जाएगा, वो थोड़ी एक ही कार के लिए बैठा रहेगा। तो मेरे पास में मैनी कार का कंसेप्ट होना चाहिए। भले मेरे पास में तीन कार है, ड्राइवर एक ही है, मैंने तीन कार में से दो कार बफर के लिए रखी है। भाई जब भी मेरी एक कार अगर कहीं दिक्कत में आई तो मैं उसको दूसरे को दे दूंगा, दूसरी तक भी मैं उसको चला लूंगा, पर जब तीनों कार ही मेरी रुक गई तो मेरा तो बिजनेस ही ठप पड़ जाएगा। तो ऑलवेज वी हैव टू थिंक इन द सच बैकअप प्लान के साथ करना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट हो गया। और अगर बड़ी कंपनी हो गई तो मेरे पास में मैनी कार मैनी ड्राइवर का कल्चर आ गया। अब मैनी कार मैनी ड्राइवर का कल्चर में ये नहीं है कि आपके पास पांच कार है तो पांच ड्राइवर हैं। भाई हो सकता है 10 कार है, 5 ड्राइवर है, ऐसा भी हो सकता है। ड्राइवर को भी बैकअप में लेके चलना पड़ेगा, भाई हर समय ड्राइवर आपको अवेलेबल होगा ये गारंटी थोड़ी है हमारे पास। ड्राइवर भी हमारा बैकअप में रहना चाहिए। तो हम ऐसा कुछ रखेंगे कि भाई 5 कार है तो भाई हमारे पास में 8 ड्राइवर है, ठीक है ना। तो ऐसा वाला कंसेप्ट रहेगा। और सपोज करिए कि हमारे पास स्कीम ये है कि भाई 3 कार दिन भर में चलेगी और हमारे पास ये ड्राइवर का कंसेप्ट, तो हमें 8 ड्राइवर को कहीं ना कहीं रेंट बेस में रखा हुआ है। हाँ, जब चलाने को मिलेगा तब हम उसको अलग से पैसा देंगे, जो एक अलग बात हो जाए। तो जो भी आपकी स्कीम है वो इतनी अच्छी दुरुस्त रहनी चाहिए
और इतनी स्मार्ट रहनी चाहिए कि भाई कोई भी कस्टमर को जब भी वो बोले तो उसे मिल जाना चाहिए। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर अपन ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। तो ये देखिए, पहला तो ये आपका इंक्लूड हो गया, इसे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने क्या बनाया है, कार का क्लास बनाया है। कार का क्लास में मैंने लिया है कार का नाम और कार की आईडी ले ली है। यहाँ पर कार का नाम और कार की आईडी को मैं इनपुट ले लूंगा। जैसे यहाँ पर अपन ने लिया है रामा लिया है, तो ये आपका रामा जो है वो तो ड्राइवर का नाम है, ठीक है ना। ये कार का नाम भी हम ले लेंगे, अगर इसमें तो कार का नाम नहीं आ रहा, अगर आप चाहे तो कार का नाम भी डाल सकते हैं, है ना। जैसे मारुति है तो मारुति कार का नाम डाल दीजिए, आईडी है तो ये 9988 आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर आपको कार का नाम और यहाँ पर कार की आईडी डालनी है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर मैंने इसको रिटर्न करवा लिया है कि जब भी जरूरत पड़ेगा तो मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों हो गए हमारे प्राइवेट और ये पूरा का पूरा फंक्शन हो गया पब्लिक। तो ये कोई आपके लिए नई चीज नहीं है, पुरानी है। अब हम देखेंगे ड्राइवर का क्लास। अब देखिए ड्राइवर का क्लास अपन ने बना लिया है, तो ड्राइवर का क्लास अब इन दोनों में जो रिलेशन चल रहा है वो 1-to-1 का चल रहा है। इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो 1-to-1 का कल्चर में है, ठीक है। देखिए मैं अलग से ये कल्चर आपको डेवलप नहीं करना चाहता हूँ, इसी के बीच में डेवलप होना चाहिए। इंटरफेस किस तरीके से बने कि आपका काम बन जाए, ठीक है ना। यहाँ पर तो भाई मेरे को अलग अलग काम नहीं करवाना है। सपोज है ना ड्राइवर का है तो 1-to-1 है, तो यहाँ पर मैं ड्राइवर नेम ले रहा हूँ, तो यहाँ से मैं देखिए एक स्ट्रिंग बनाया है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर में तीन चीजें आ जाएंगी, एक तो नाम आ जाएगा, फिर एक आपका कार का नाम आ जाएगा और कार की आईडी आ जाएगी। भाई ये इसमें से तीन चीज, एक तो नीचे ही रह जाएगी, दो चीज ऊपर चली जाएगी, ठीक है, दो चीज ऊपर चली जाएगी। और यहाँ से हमने क्या किया, रिटर्न आपका ड्राइवर नेम कर लिया है। तो ये क्लास का छोटा सा प्रोग्राम बन गया। अब यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना ली अपन ने, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई है। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी में अपन ने इस तरीके से लिख दिया कि भैया एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना लिया है और वो अंदर में 1-to-1 का कल्चर है। हमने यहाँ पर रामा को लिया है, एक फोर्ड ले लिया है, 9988 ले लिया है। जैसे हम इसको यहाँ पर रन करेंगे तो यहाँ पर ये नाम आ जाएगा रामा, यहाँ आ जाएगा रिटर्न ड्राइवर नेम आ गया, तो ड्राइवर का नाम यहाँ आ जाएगा, तो रामा इज ए ड्राइवर ऑफ कार आईडी, तो ये 9988 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई से रन करने की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अपन ने बहुत कुछ सीख लिया है, आपको भी इस तरीके से समझ में आ सकता है। तो ये हुआ हमारा 1-to-1 एसोसिएशन हुआ, है ना। अब हमको क्या देखना है, अब देखिए हमको देखना है 1-to-many का रिलेशनशिप। अब 1-to-many का रिलेशनशिप कैसा है, 1-to-many का रिलेशनशिप है, इन 1-to-many रिलेशनशिप वन ऑब्जेक्ट इन ए क्लास, वन ऑब्जेक्ट इन ए क्लास कैन बी एसोसिएटेड विद वन और मोर ऑब्जेक्ट, है ना, विद वन और मोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। many की बात हो रही है तो many में वन भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि दो होने से ही मैनी का मतलब होगा, भाई इसमें आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे। आपने एरे बनाया है तो यहाँ पर एरे का यूज करना है आपको, या तो आप एरे विद इन क्लास कर दीजिए या आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाइए, तो ज्यादा आपके लिए सही चीज बननी चाहिए। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक तरफ एक ऑब्जेक्ट है, एक तरफ पांच ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो पांच ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, मेरे पास एक कार है और मेरे पास सपोज तीन ड्राइवर हैं, तो तीन ड्राइवर में से जिसको भी मैं यूज करूंगा वो एक्टिव हो जाएगा, दो मेरे बफर में चले जाएंगे। तो इस तरीके से मैं अपना सिस्टम बना के रखूंगा। अगर मेरे को एक वाले ने कभी भी दिक्कत दिया, रास्ते में बीमार हो गया, मतलब कार चला रहा है और कहीं आपके 50-60 किलोमीटर के पास में बीमार हो गया, देन फिर नया ड्राइवर भेजना पड़ेगा, तो बफर बी में रखा हुआ है आपने, वो तुरंत के तुरंत वहां पर पहुंचेगा, वो उसको पहुंचा के फिर अपना काम करेंगे,
लाइक दैट वी हैव टू मेक वन टू मैनी। तो वन टू मैनी में आपको इस तरीके से बनाना है, यानी आपके पास में कार एक ही रहेगी लेकिन ड्राइवर में तीन आ जाएंगे। तो आप एरे बना लीजिए, या तो एरे ऑफ एरे विद इन क्लास बना लीजिए, या एरे ऑफ क्लास का मतलब ऑब्जेक्ट बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ऊपर वाले ही प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दीजिएगा तो आपका काम जल्दी से बन जाएगा। अपन ने बहुत सारे प्रोग्राम जो C++ में देखे हैं, मेरा आपसे बहुत बहुत एडवाइस किए है कि आप उसे जावा में भी बना के देखिए किस तरीके से बन सकता है। ज्यादा आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखिए बहुत सिंपल तरीके से ये बन सकता है। मतलब हमें दो चीज यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि जावा का प्रोग्राम कैसे लिखना है, या जावा का प्रोग्राम है तो हम C++ में कैसे कन्वर्ट करें, हमारे पास C++ का प्रोग्राम है हम उसे जावा में कैसे बनाएं। अब आपने कोई प्रोग्राम विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसे कन्वर्ट करने में हमें दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? उसे हमें कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि उसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मतलब आपका मतलब आपके पास में जावा के अंदर विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है, और आपने C++ में क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया, तो बहुत मेहनत लगेगी आपको काम करने में। ठीक है। अब देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, हमने एक डायग्राम से आपको समझाया है। लेट वी हैव ईच कस्टमर कैन हैव मैनी सेल्स ऑर्डर। ठीक है ना, एक कस्टमर है उसके तीन ऑर्डर हो सकते, एक से ज्यादा ऑर्डर हो सकते, तो ये वन टू मैनी का कल्चर आ गया। ठीक है ना, ये वन टू मैनी का कल्चर आ गया। इसके अंदर में भाई आपने एक ऑर्डर दिया है, दो ऑर्डर दिए, तीन ऑर्डर दिए, अभी आप घर में बैठे हैं, आप बहुत सारा काम इसी तरीके से कर रहे हैं। आपका एक कस्टमर है और आपके तीन तीन चार चार पेंडिंग हमारे पास ऑर्डर चल रहे हैं। ठीक है ना, कभी आपका बिग बाजार में कुछ चल रहा होगा, कभी आपका कहीं पर दूसरे जगह सब्जी वाले के पास चल रहा होगा, कहीं ना कहीं आजकल क्योंकि अभी आपको घर से ही काम करना है, तो बहुत अच्छा ये कंसेप्ट है कि आप किस तरीके से वन टू मैनी का कल्चर डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज ए वन टू मैनी का एक थॉट है ये। एक और थॉट देखते हैं, वन बुक कैन हैव मैनी पेजेस। एक बुक है और उसके मैनी पेजेस हैं, यानी एक बुक है उसके मैनी पेजेस हैं, और जो एक पेज है वो दूसरे बुक में नहीं है। ध्यान से समझिए, एक बुक है उसके सपोज एक 100 पेजेस है, अब ये 100 पेजेस में से ऐसा कुछ नहीं है कि एक पेज दूसरे बुक का भी कॉपी करके डाल दिया है। भाई ऑथर है, कहीं भी कॉपी कर करके डाल सकता है, तो ये भी चीज हमको देखनी पड़ेगी कि जो उसने बुक बनाई है वो कहीं से कहीं कॉपीड तो नहीं है, क्योंकि अगर कॉपीड है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, हमको बाद में मतलब उसका देना लेन देन पड़ जाएगा हमको। ठीक है, तो ये चीज का याद रखिएगा, आपकी बुक है वो मैनी पेजेस है। हाँ, अगर ये मैनी टू मैनी हो जाता, मैनी टू मैनी हो जाता मतलब आपके जो पेजेस हैं वो दूसरे बुक से भी आ सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैं एक ऑथर हूं, तो मैं सी का प्रोग्राम भी लिख रहा हूँ, C++ का भी बुक लिख रहा हूँ, जावा का भी लिख रहा हूँ। अब मेरे पास में ये राइट्स है कि मैं उसको यहाँ से वहां कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑब्जेक्शन उठाने वाला कौन है? भाई ऑथर ही होगा, क्योंकि उसे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन होगा कि भाई मेरी किताब के कंटेंट्स आपने कैसे चोरी कर लिए। तो ये चीज यहाँ पर समझनी है कि हम यहाँ पर मतलब एक बुक है और उसमें जो कंटेंट्स है वो सेम है, तो इट इज ए यूअर वन बुक टू मैनी पेजेस, वन बुक टू मैनी पेजेस का कल्चर बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैनी को दिखाने के लिए इस तरीके से कोई अपने को त्रिशूल बना देना है भाई। ठीक है ना, ये इस कंसेप्ट को अपन यूज करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका मैनी का कल्चर भी डेवलप हो सकता है। मतलब इस तरफ से तो एक ही आ रहा है, पर मेरे पास भैया तीन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं आपके पास मतलब बुक के पास तीन पेज जा रहे हैं, लेकिन पेज के पास एक ही बुक आ रहा है, तो दिस इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, नाउ अब देखिए ध्यान से, हम मैनी टू वन की बात करते हैं। तो मैनी टू वन की बात में क्या है, मैनी टू वन में यही कल्चर है कि मैनी ऑब्जेक्ट इन ए क्लास
कैन बी एसोसिएट विद वन ऑब्जेक्ट इन अनदर क्लास। तो इसमें आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं कि भाई आपके पास तीन कार है और एक आपके पास ड्राइवर है। हमने पहले स्कीम बनाई जिसमें कार का पूलिंग करके हमने क्या बोला कि भैया कार हमारी खराब हो सकती है पर हमारा ड्राइवर तो भैया बहुत तंदुरुस्त है, वो कभी दिक्कत नहीं देगा। तो हमने पहला कंसेप्ट में कार को बढ़ा लिया। अब कार को बढ़ा लिया तो हमें पता चला कि हमारा बिजनेस कम हो रहा है, तो हमने क्या किया फिर ड्राइवर को भी बढ़ा दिया, फिर मैनी टू मैनी का रिलेशन कर दिया, है ना। इस तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं, पहले वन टू वन किया हमने, फिर मैनी टू वन किया, या फिर हमने वन टू मैनी किया और लास्टली हमने मैनी टू मैनी कर दिया। तो वन टू मैनी को हम इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अलग से मैं नहीं बता रहा हूं, उसको आप जस्ट उल्टा कर सकते हैं। नाउ कम टू द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप देखिए क्या हो रहा है, मैनी ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट कौन है, मैनी ऑब्जेक्ट्स है, इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। मैनी ऑब्जेक्ट्स मतलब आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट दिख रहा है तो स्टूडेंट एक है, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट इज ए क्लास, इसके ऑब्जेक्ट है पांच, तो यहाँ पांच ऑब्जेक्ट हो गए, यहाँ कोर्स है, यहाँ पर भी पांच कोर्स है, ठीक है ना। तो हर स्टूडेंट का सपोज करिए कि हमें असाइनमेंट्स बनाने हैं, तो हो सकता है कि आपका सपोज करिए एक रवि है, उसने दो ही जगह का असाइनमेंट बनाया है, ठीक है ना। अब आपको मार्क्स का है तो इसने दो तीन का बनाया है, मैरी ने दो का बनाया है, कुमार ने एक का ही बनाया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें समझना है मैनी टू मैनी का कल्चर, यानी कि आपको अगर मैंने बोला कि कोई भी एक स्टूडेंट दो सब्जेक्ट के असाइनमेंट बना सकता है, तीन का उसको नहीं बनाना है, तो इस तरीके से आपने बना दिया, यानी मैनी टू मैनी का कल्चर डेवलप हो गया। भाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो सब्जेक्ट्स हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरफ से देखे अपन, है ना, मतलब राइट टू लेफ्ट देखो तो इस तरीके से क्या मिल रहा है, हमारे पास पांच कोर्सेस हैं, तो भाई पांच कोर्सेस में हमें ये देखना है कि कोई भी कोर्स छूटना नहीं चाहिए, भले एक कोर्स में एक ही स्टूडेंट लिखे, ये हमारा रिक्वायरमेंट था कि भाई कोई भी कोर्स में एक ना एक तो लिखे, उसके बाद में हम आगे काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं, तो डीबीएमएस में मैंने देखा दो जन लिख रहे हैं, तीन जन लिख रहे हैं, डीबीएमएस में तीन जन लिखे, और डेटा स्ट्रक्चर में दो जन लिखे, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जन ने लिखा, मल्टीमीडिया में एक जन ने लिखा, जावा में दो जन ने लिखा, यानी हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई स्टूडेंट लिख रहा है। तो ये मेरा कल्चर हो गया। अब यहां से हम देखें कि भाई हमारा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो कि वो खाली बैठा है, उसने एटलीस्ट वन कोर्स का असाइनमेंट लिखा है कि नहीं, ये चेक करना है। तो मैंने चेक किया रवि को, तो रवि ने भाई दो में लिखा है, देन मार्क ने दो लिखा है, मैरी ने दो में लिखा है, कुमार ने एक में लिखा है, पीटर ने दो में लिखा, मतलब हर स्टूडेंट ने किसी ना किसी कोर्स के लिए लिखा है। बस इतना सा हमारा काम था, हमने इसको कर लिया। तो दिस इज नोन एज ए मैनी टू मैनी का कल्चर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एक और आपके पास पे एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैनी बुक्स है ना रिटन बाय मैनी ऑथर, मैनी बुक्स रिटन बाय मैनी ऑथर, ठीक है ना। तो ये कल्चर हो गया आपका, यहाँ पे तीन आ गए, यहाँ पर भी तीन आ गए, यानी कि ऑथर और बुक्स जो है यहाँ से वन टू मैनी है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से देखें तो ये वन टू मैनी है, ये भी वन टू मैनी है, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को हम मिला दें तो ये मैनी टू मैनी का कल्चर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑथर्स है ना बुक्स रिटन बाय मैनी ऑथर एंड ऑथर्स राइट्स बुक्स, है ना, ऑथर राइट मैनी बुक्स, ऑथर ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और बहुत सारी बुक आपकी जो बुक्स आर रिटन बाय ऑथर्स, मतलब मैनी बुक्स आर रिटन बाय मैनी ऑथर्स, यानी सपोज करिए सी प्लस प्लस का कोई बुक है, भाई चार पांच ऑथर ने लिखी है और एक ऑथर ने बहुत सारी दूसरे किताब भी लिखी है। तो इस तरीके के कल्चर हमें बनाना है कि भाई ये हमारा जंक्शन बुक जंक्शन बन गया, भाई यहाँ पर हमारा ऑथर बुक का जंक्शन बन गया कि भाई यहाँ पर टोटल ऑथर आ गए, यहाँ पर टोटल बुक आ गए,
अब भाई ये हो सकता है कि एक ही बुक लिखा हो या एक से ज्यादा लिखा हो, या ये बुक ऐसे हैं जो कि एक ऑथर ने लिखा है या एक से ज्यादा ऑथर ने लिखा है। तो इस तरीके का हमको थॉट अभी समझना पड़ेगा। ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन जाती है। प्रैक्टिकल तो जो होगा वो बात की बात है, पहले इस पे थ्योरी आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ऑर्डर एंड आइटम के बीच में मैनी टू मैनी का कल्चर है, ठीक है ना। मैनी आइटम्स ऑर्डर्ड बाय दिस वन, मैनी ऑर्डर आर गिवन बाय मैनी आइटम्स। इम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट के बीच में भी मैनी का कल्चर है, भाई एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा इम्प्लॉय ज्वाइन करके रखे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मैनी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मैनी इम्प्लॉय है। हो सकता है कि हमने अपने प्रोजेक्ट में किसी दो जन को शेयरिंग में भी लिया, हम शेयरिंग में भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई एक ही इम्प्लॉय एक ही प्रोजेक्ट के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं है। उसका काम सपोज करिए किसी का फ्रंट एंड बनाने का है, तो भाई वो अपना काम कर लेगा तो वो दूसरा फ्रंट एंड जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तब थोड़ी करेगा। भाई मेरे को तो पाइपलाइन में काम करना है ना, तो मैं पाइपलाइन में काम करूंगा। मुझे इस तरीके से नहीं करना है कि भाई ये वाला काम हो गया, जैसे ही वो फ्री हुआ मैं तो उसके सामने में दूसरे प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड ला के रख दूंगा कि भैया अब आप इसको बनाओ। मतलब एक महीने में उसने 5-6 फ्रंट एंड बना के फेंकना है, ठीक है ना। तो इस तरीके के कल्चर को हम बोलते हैं मैनी टू मैनी का कल्चर आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी वही हो रहा है। एप्लीकेंट्स, भाई आप इतने सारे इंजीनियर बन रहे हो, अपना रिज्यूम बनाओगे तो आपके पास इंटरव्यू में जाना है, तो आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे आपके जैसे ही बच्चे मिलेंगे। अब आप ऐसा थोड़ी है कि एक ही इंटरव्यू दोगे, आप एक से ज्यादा इंटरव्यू भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं। जैसे हमने कोई Naukri.com लिया है या कोई हमने किसी तरीके का कुछ लिया है, तो वहां पर वो इंटरव्यू जंक्शन टेबल बन गया कि भाई ऐसे बहुत सारे एप्लीकेंट ने यहाँ जमा किया, इस बहुत सारे एप्लीकेंट्स को हम बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू दिलाएंगे। ये मेरा एक कंपनी मतलब एक पोर्टल बन के तैयार हो गया, इंटरव्यू जंक्शन टेबल का पोर्टल बन गया। इसमें भैया मेरे पास एप्लीकेंट्स भी डाल रहे हैं और मेरे को जो कंपनी वाले वो भी डाल रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आ रही है, इधर से एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट आ रही, दोनों जहां मैच हो रहे हैं वहां पे मैं रिकमेंड कर दे रहा हूँ कि भाई आप वहां जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इस तरीके का हमको थॉट को जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आखिरी में हम एक और देखेंगे, टर्नरी का कंसेप्ट बचा है हमारा, तो हम टर्नरी का देख के इसको आज खत्म करेंगे। तो टर्नरी का मतलब क्या होगा, जैसे टर्नरी ऑपरेटर होते हैं वैसे ही टर्नरी रिलेशनशिप भी होता है। तो ये टर्नरी रिलेशनशिप इज व्हेन थ्री इंटिटी पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। तीन यहाँ पर इंटिटी यानी कि आपके ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास आ रहे हैं, ये जंक्शन में आपका काम चल रहा है, दैट इज नोन एज ए सी एस टी। हमारे पास है सी एस टी। सी मतलब है कोर्स, एस मतलब सब्जेक्ट, टी मतलब टीचर्स। अब देखिए इन तीनों में रिलेशन क्या बन रहा है, इन तीनों में रिलेशनशिप ये बन रहा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी है ना माइट नीड टू मेंटेन रिकॉर्ड विच टीचर्स टॉट विच सब्जेक्ट इन विच कोर्स। तो ये जब विच आ जाता है ना, तो ये सब रिलेशनशिप बनने लगते हैं। अगर आपको मैंने इस तरीके का एक सेंटेंस दिया है और मैंने बोला क्लास का डायग्राम बनाओ, तो ये तुरंत आपका ये डायग्राम बन जाना चाहिए। या मैंने आपको ये डायग्राम दिया है और मैंने बोला इसका आप एक सेंटेंस बना के दो, तो आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाइस वर्सा का सारा पजल्स है। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि आपको मैंने डायग्राम दिया तो आप डायग्राम से, कभी भी एक दो इंटरफेस में आंसर लेना पड़ता है, पॉइंट मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन नहीं मिलना है, कहीं ना कहीं आपको एक दो कॉन्स्ट्रेंट्स तो मिलने हैं, उस कॉन्स्ट्रेंट्स को ही पार करने का काम कहलाता है इंटेलिजेंट। तो आप अगर इंटेलिजेंट होंगे, आप अपनी इंटेलिजेंसी का यूज करेंगे और आप अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं हम कि द यूनिवर्सिटी माइट नीड टू रिकॉर्ड, है ना, माइट नीड टू, हमको यहाँ पर एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि विच टीचर्स,
है ना, विच टीचर्स, यहाँ पर हमको देखना है कि भाई दुबे सर ने कौन कौन से, विच टीचर दुबे सर ने टॉट विच सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट इन विच कोर्सेस में पढ़ाए हैं, क्योंकि एक टीचर एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो उस केस में ये वाली चीजें हो रही हैं कि भाई वो दूसरा कोर्स का भी पढ़ा सकता है, ये भी पढ़ा सकता है। तो ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इस तरीके की मैक्सिमम बातें होती रहती हैं। तो लेट हम लोग ने आज यहाँ पर एसोसिएशंस के टाइप्स को बहुत अच्छे से समझा है, सबके एग्जाम्पल्स मैंने आपको और क्लियर कर दिए हैं, और आपने भी इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसको प्रोग्राम्स बनाना है अपने को, तो प्रोग्राम्स आप देखिए कि किस तरीके से बन सकते हैं और हम किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएंगे। ये जो बॉक्सेस बने हैं उसको आप वही समझ लीजिए, और उसके अंदर एटलीस्ट आप कोई नाम या कोई आईडी या कुछ इस तरीके की चीज को आप इनपुट आउटपुट करके देखना है। हमें आउटपुट में इस तरीके से मिलना है कि विच टीचर्स टॉट विच सब्जेक्ट इन विच कोर्स, इस तरीके से मुझे एक इंफॉर्मेशन बाहर चाहिए। क्योंकि इंफॉर्मेशन जब तक सेंटेंस में नहीं आएगी ना, जैसे विच टीचर, तो दुबे सर टीचर यहाँ पर आ जाएगा, दुबे सर टॉट विच सब्जेक्ट, भैया उप्स सब्जेक्ट, इन विच कोर्स, इन द फर्स्ट सेकेंड सेम, तो इस तरीके से आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना है। तो चलो मैं आप यहाँ पर आपको क्लास खत्म करता हूँ, और आप लोग के लिए वही लास्ट स्लोगन है कि भाई टेक केयर, स्टे होम, बी हेल्दी, गुड नाइट, शुभ रात्रि।